हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज की फीचर्स। इन दिस वीडियो वी कंटिन्यू दिस टॉपिक, सो स्टार्ट। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम इसके जो भारत के जो संविधान है उसके कुछ प्रमुख जो लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वाई रीड दिस? Keep in mind of about maintain content of diversity, unity, social economic reform and replacements that the author of the document were greatly with। यानी कि हमें इन बातों को पढ़ते हुए हमें जो diversity यानी कि विविधता है, unity यानी कि जो एकता है, economic and social जो सुधार है उनमें, जो अलग अलग जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें जो सुधार हुए हैं, साथ ही साथ जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशंस हैं, प्रतिनिधि के संबंध में लगातार ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो भारत का संविधान है उसमें इसको रखा गया है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस सी कंटेंट विद द कॉम्बिनेट द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इंटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाने वाले थे यानी कि जो भारत का संविधान बनाने वाले थे उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य से पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरीके से हल किया। यानी कि जो हमारे भारत का संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और उन्होंने किस तरीके से इसको हल किया उसे जानते हुए उसमें जो भारत के जो संविधान में कुछ ऐसी जो फीचर्स रखे गए जिससे कि भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस किया जा सके, दोनों में संतुलन उत्पन्न किया जा सके। हम आगे कुछ जो भारत के जो मेन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरलिज्म। भारत का जो संविधान है उसकी जो सबसे बड़ा जो लक्षण है वो फेडरलिज्म यानी कि संघवाद को बताया गया है। दिस रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जो फेडरलिज्म यानी कि जो संघवाद है इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, यानी कि जो कंट्री है उसमें केवल एक गवर्नमेंट नहीं होगी और कई अलग अलग स्तर पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है उसको डेवलप किया जाएगा। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एट द सेंट्रल लेवल। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो सरकार है वो दो स्तर की सरकार होती है, एक स्टेट लेवल यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं एंड एट द सेंटर यानी कि एक केंद्र सरकार होती है। यानी कि जितने राज्य हैं उनकी अपनी अलग अलग सरकार भी होती है और पूरे भारत की एक सरकार भी होती है। यानी कि जो भारत की जो सरकार है उसको दो स्तरों में डिवाइड किया गया है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। पंचायती राज यानी कि जो स्थानीय जो शासन है, स्थानीय प्रशासन है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार के तीसरे रूप में कार्य करता है। एंड यू हैव रेडी अबाउट दिस ऑन क्लास सिक्स बुक। और इसके बारे में आपने जो क्लास सिक्स है उसकी बुक में पढ़ चुके हैं। पंचायती राज में आपने सरपंच, उप सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मेयर, महापौर इन सब के बारे में अध्ययन किया है। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास सेवन बुक एंड दिस ईयर वी विल बी रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हम देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बारे में आपने जो आपकी पिछली क्लास सेवन क्लास थी उसकी बुक में पढ़ लिया है।
एट क्लास में मोस्टली हम सेंटर गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज के बारे में आपने सिक्स क्लास में पढ़ा है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं उसके बारे में आपने सेवन्थ क्लास में इससे संबंधित जो चीज़ों को पढ़ा है। इस यानी कि एट्थ क्लास में हम जो सेंटर गवर्नमेंट के बारे में अधिक पढ़ेंगे। फर्स्ट जो फेडरलिज्म है उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको दो लेवल में, मोस्टली टू लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। द वेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया मेन दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिजर्व द डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग। जो भारत में इतने सारे जो समुदाय हैं उनकी उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट है इस तरीके से बनानी होगी जिसमें जो दिल्ली है भारत की जो राजधानी है उसमें बैठे हुए कुछ लोग ही फैसला ना लें, यानी कि भारत पूरे जो भारत है उसके लिए केवल दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग, यानी कि जैसे जो सेंटर गवर्नमेंट होती है जो हमारी जो राजधानी है भारत की राजधानी दिल्ली, सेंटर गवर्नमेंट वहाँ से रन करती है। तो जो लोगों का यह मानना था कि जो भारत में केवल दिल्ली से बैठे लोग यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है केंद्र सरकार है वही पूरे भारत का फैसला नहीं ले। डिसीजन फॉर एवरीवन इंस्टेड ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस स्टेट सो द डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरियाज। इसलिए जो प्रांतीय स्तर पर यानी कि अलग अलग राज्य के स्तर पर भी राज्य के लेवल पर भी जो गवर्नमेंट है उसे बनाया जाए ताकि जो निर्णय है वो पर्टिकुलर एरिया यानी कि एक निश्चित जो क्षेत्र है उसके हिसाब से उस क्षेत्र का जो निर्णय है वो राज्य सरकार को ही लेना चाहिए। व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइज पावर ऑफ कंटेन इश्यूज, यानी कि जो भारत के सभी राज्यों को कुछ ऐसे मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें स्वयं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने राज्य के स्तर पर किस तरीके का फैसला लेंगे। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंटेन रिक्वायर्ड दैट ऑल दीज स्टेट फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर किसी राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसका जो कानून है वो सबसे पहले होता है, उसके बाद जो राज्य स्तर की जो सरकारें होती है उनका कानून आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्टेड द डिटेल इन इशू ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेड लॉ ऑन, यानी जो भारतीय जो संविधान है उसमें यह निश्चित किया गया है, जो तीन अलग अलग जो लिस्ट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग जो कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके के लॉ को बनाएगी उसमें यह डिटेल दी गई है। भारतीय संविधान में हम देखें तो तीन लिस्टेड मेंशन की गई है, फर्स्ट यूनियन लिस्ट जिसपे सेंटर गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करती है, सेकंड स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार है उसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है। अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसका कानून माना जाता है। इस तरीके से भारतीय संविधान में दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, उनका जो वर्क है वो डिवाइड किया गया है। इन एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फॉर द वर्क ऑफ डिड डज, यानी कि यह भी निश्चित किया गया है कि जो पैसा होगा उसका इंतजाम कौन सी सरकार को कहाँ से किया जाएगा, उनके बीच में जो मनी होती है जो पूंजी होती है उसका डिवाइजेशन भी किया गया है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट
mortally against of the federal government but draw in their authority of the constitution as well. All the persons in India are governed by law and policies made by each of these level of government. जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उसके अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं. भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नियमों के अंतर्गत आते हैं. यानी कि भारत में रहने वाले लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के द्वारा बनाए गए जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है जो भारत का मेन की फीचर्स है, उसके अंदर आज हमने फेडरलिज्म के बारे में अध्ययन किया है.